हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2 देन अल्फा इज इक्वल टू, वेयर अल्फा लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो हमें सीरीज दी है वो एक जीपी की सीरीज है, जिसके लिए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर यानी कि कॉमन रेशियो कितना है कॉस अल्फा, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म और आर क्या है कॉमन रेशियो। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है कॉस अल्फा। और देखिए क्वेश्चन में हमें एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें देन वी गेट 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस रूट 2। यहाँ पर इसका देखिए कॉन्जुगेट कर लेंगे देन वी गेट 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, देन वी गेट 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 देन वी गेट 1 बाय रूट 2। और यहां पर देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कॉस अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 बाय रूट 2। अब कॉस अल्फा में -1 बाय रूट 2, तो अल्फा क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।